Poco X2 and Realme 6 Pro, which phone should you buy? Hey guys, this is Imran and welcome to my YouTube channel. So guys, आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ Poco X2 and Realme 6 Pro स्मार्टफोन के बारे में. एंड यहाँ पे मैं एक कंपैरिजन करने वाला हूँ दोनों ही स्मार्टफोन के बीच में, कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेस्ट है एंड कौन सा स्मार्टफोन वैल्यू फॉर मनी है. सो अगर आपको इंटरेस्ट है इस वीडियो में, सो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा. सो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में. सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा इस डिज़ाइन की Realme 6 Pro की, सो यहाँ पे एक रिफ्रेशिंग डिज़ाइन आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है. कुछ नई एंड यूनिक टाइप की आपको डिज़ाइन इसमें बैक साइड में आपको देखने को मिल जाती है. एंड वहीं पे अगर मैं बात करूँ Poco X2 की, सो इसमें भी आपको एक सर्कुलर टाइप का आपको डिज़ाइन मिल जाता है बैक साइड में एंड बहुत ही सिंपल एंड स्लीक लगता है Poco X2 भी. सो हाँ, यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी दोनों ही स्मार्टफोन अपने अपने हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंड काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगते हैं बिल्ड क्वालिटी एंड डिज़ाइन के मामले में. एंड अगर मैं बात करूँगा इस बिल्ड क्वालिटी की, सो दोनों ही स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी है वो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है. एंड दोनों ही स्मार्टफोन में आपको बैक एंड फ्रंट साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है. सो इन दोनों ही स्मार्टफोन की जो बिल्ड क्वालिटी वो लगभग सिमिलर ही है. एंड गाइस चलिए अब बात करते हैं स्क्रीन की. अब दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्क्रीन भी है वो लगभग सिमिलर ही है, कुछ 19-20 का अंतर है. सबसे पहले अगर मैं बात करूं Realme 6 Pro की, सो इस स्मार्टफोन में आपको 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले मिलती है विद 90 हर्ज रिफ्रेश रेट के साथ. एंड वहीं पे अदर हैंड आपको Poco X2 में 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले विद 120 हर्ज की डिस्प्ले मिलती है. अब यहां पे थोड़ा सा डिफरेंस रिफ्रेश रेट में, बिकॉज इसमें आपको Realme 6 Pro में आपको 90 हर्ज की डिस्प्ले मिलती है एंड आपको 120 हर्ज की डिस्प्ले मिलती है Poco X2 में. बट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बैटरी कंजप्शन आपको ज़्यादा मिलने वाला है Poco X2 में, बिकॉज इसमें जो थोड़ा सा ज़्यादा हायर रिफ्रेश रेट की आपको उसमें स्क्रीन मिलती है. सो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, सो दोनों ही स्मार्टफोन की जो परफॉर्मेंस है वो लगभग सिमिलर ही होने वाली है, बिकॉज Poco X2 में आपको मिलता है स्नैपड्रैगन का 730G प्रोसेसर एंड आपको Realme 6 Pro में मिलता है स्नैपड्रैगन का 720G प्रोसेसर, जो कि एक लेटेस्ट प्रोसेसर है. एंड अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो लगभग सिमिलर ही होने वाली है, बिकॉज दोनों ही प्रोसेसर 8 इंजन की प्रोसेस टेक्नोलॉजी भी बेस्ड है. एंड गाइस अगर मैं बात करूँ अंतुतु स्कोर की, सो दोनों ही का स्कोर जो है वो लगभग सिमिलर ही है. सिंगल कोर में 720G थोड़ा ज़्यादा परफॉर्म कर देता है एंड मल्टी कोर में 730G का स्कोर थोड़ा ज़्यादा है. सो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि सिंगल कोर में थोड़ा अच्छा स्कोर आया है 720G का एंड मल्टी कोर में थोड़ा ज़्यादा बेटर आया है स्कोर 730G का. सो अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस वाइज, तो दोनों का ही स्कोर लगभग सिमिलर ही है एंड दोनों में ही आपको जो GPU मिलता है वो सेम मिलता है, Adreno का 618. सो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है. सो ओवरऑल दोनों की परफॉर्मेंस लगभग सिमिलर ही होने वाली है. एंड उसके बाद इन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जो रैम एंड स्टोरेज टाइप मिलती है वो सिमिलर ही है, LPDDR4X वाली रैम एंड UFS 2.1 वाली स्टोरेज. सो यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है. एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँगा इस बैटरी की एंड चार्जर की, सो जो Realme 6 Pro है इसमें आपको 4300 mAh की बैटरी मिलती है, जबकि आपको 4500 mAh की बैटरी मिलती है Poco X2 में. एंड 30 वॉट का फास्ट चार्जर मिलता है आपको Realme 6 Pro में एंड 27 वॉट का चार्जर मिलता है आपको Poco X2 में. बट यहाँ पे मैंने कुछ वीडियोज़ में देखा हुआ है कि जो 27 वॉट का Poco X2 में चार्जर है वो थोड़ा ज़्यादा फास्ट चार्ज कर देता है मोबाइल फोन को एज़ कम्पेयर टू Realme 6 Pro. तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बैटरी एंड चार्जर में. सो ओवरऑल लगभग सिमिलर ही है दोनों ही स्मार्टफोन. एंड यहाँ पे अब बात करते हैं गाइस कैमरा की. अब कैमरा में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बिकॉज दोनों ही स्मार्टफोन में अलग अलग कंपनीज के सेंसर्स लगे हुए हैं. अगर मैं बात करूँ गाइस सबसे पहले Realme 6 Pro के, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है. एंड एक अच्छी बात यह है कि इस स्मार्टफोन में आपको 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिलता है, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट में किसी और स्मार्टफोन में नहीं मिलता. बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ गाइस इस स्मार्टफोन के कैमरा की, तो 64 मेगापिक्सल का आपको सैमसंग का GW1 सेंसर मिलता है, 12 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का आपको माइक्रो मिलता है. सो ओवरऑल कैमरा की परफॉर्मेंस वाइज ठीक ठाक है. बट यहाँ पे अगर मैं कहना चाहूँगा कि जो Poco X2 की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इसमें आपको सोनी का IMX686 वाला सेंसर मिलता है 64 मेगापिक्सल का एंड 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का माइक्रो एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है. सो ओवरऑल यहाँ पे आपको टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता, बट ओवरऑल जो मेन सेंसर है वो थोड़ा ज़्यादा बेटर है एंड थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है कैमरा वाइज Poco X2 में. सो ओवरऑल बैक कैमरा की अगर बात करूँ तो Poco X2 मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा बेटर है. बट वहीं भी अगर मैं बात करता हूँ फ्रंट कैमरा की, सो यहाँ पे कहानी जो है वो बदल जाती है, बिकॉज जो Realme 6 Pro है इसमें आपको जो कैमरा मिलता है वो मिलता है डुअल कैमरा 16+8 मेगापिक्सल का, यानी कि 16 मेगापिक्सल का आपका मेन कैमरा है एंड 8 मेगापिक्सल का आपको इसमें अल्ट्रा वाइड
मिलता है, जबकि वहीं पे आपको जो पोको एक्स टू इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है एंड 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। सो दोनों में ही आपको पंच होल कैमरा मिलता है एंड जो कैमरा है इसमें आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है एंड इसमें आपको डेप्थ सेंसर मिलता है। सो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड थोड़ा ज़्यादा बेटर है बिकॉज डेप्थ सेंसर की उतनी ज़्यादा नीड नहीं होती एंड अल्ट्रा वाइड आजकल सभी लोगों को चाहता है बिकॉज उनको ग्रुप सेल्फी लेनी होती है। एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करूँ तो मुझे ज़्यादा बेटर लगी बिकॉज मैंने कुछ सैंपल्स देखे हुए हैं, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा बेटर लगा। फ्रंट कैमरा की बात करें तो यहाँ पे रियलमी 6 प्रो की जो फुटेज है वो थोड़ी ज़्यादा बेटर लगी एज कम्पेयर टू पोको X2 अगर मैं बात करूँ फ्रंट कैमरा की। एंड दोनों ही स्मार्टफोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है एंड एक अच्छी बात रियलमी 6 प्रो में ये हो जाती है कि इसमें आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिलता है, जबकि आपको पोको X2 में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक एडवांटेज मिल जाता है रियलमी 6 प्रो में। एंड दोनों ही स्मार्टफोन में आपको वाइडबैंड L1 का सपोर्ट मिल जाता है एंड दोनों ही स्मार्टफोन में आपको जी कैम का सपोर्ट मिल जाता है। अब बात ये कि गाइस दोनों ही स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन ज़्यादा बेस्ट है, अगर मुझे इन दोनों में से कोई एक स्मार्टफोन को पिक करना हो तो मैं कौन सा स्मार्टफोन पिक करूँगा। सो यहाँ पे गाइज मेरे हिसाब से जो पोको X2 है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब मैं बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो आपको इसमें ज़्यादा बेटर सेंसर मिलता है यानी कि सोनी का IMX686 सेंसर मिलता है। उसके बाद आपको 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलती है। अब मैं मानता हूँ कि जो रियलमी 6 प्रो उसमें भी आपको 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलती है, बट फिर भी इसमें आपको 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले मिलती है यानी कि ज़्यादा रिफ्रेश रेट वाली आपको डिस्प्ले मिलती है। एंड उसके बाद एक मेन पॉइंट और हो जाता है कि इसमें आपको ज़्यादा अच्छी बैटरी मिलती है एंड ज़्यादा अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस भी मिलती है। सो ये थे कुछ 3 मेन पॉइंट। एंड उसके बाद जो सबसे मेन फाइनल पॉइंट हो जाता है वो है प्राइसिंग की, बिकॉज जो रियलमी 6 प्रो की जो बेस वेरियंट की प्राइसिंग है वो है 17,000 रुपीज़, जबकि आपको 16,000 रुपये में इसका बेस वेरियंट 664 वाला मिल जाता है पोको X2 का। सो यहाँ पे एक मेजर पॉइंट हो जाता है प्राइसिंग का। सो मेरे हिसाब से पोको X2 एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन हो जाता है अगर मुझे चूज करना हो इन दोनों ही स्मार्टफोन में से कोई एक स्मार्टफोन। सो गाइस ये था मेरा ओपिनियन इन दोनों ही स्मार्टफोन के बारे में एंड अगर आप मेरे ओपिनियन से अग्री करते हो तो मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें एंड शेयर भी कर दीजिए गाइस अपने दोस्तों के साथ। एंड गाइस उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए एंड मुझे पहली बार देख रहे हो तो नीचे सब्सक्राइब वाला रेड वाला बटन है उसको दबा दीजिए, क्लिक कर दीजिए उसके ऊपर एंड बेल वाला आइकन को भी क्लिक कर दीजिए। एंड उसी के साथ गाइस आप शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, जो जो मन में आए वो करिए। सो मैं मिलता हूँ गाइस आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय।